हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज विद डॉक्टर शाहिद आलम। गाइस, आज बात करेंगे हम टेबलेट ओंडनस्ट्रोन के बारे में। जानेंगे कि ओंडनस्ट्रोन किन किन बीमारियों में दी जाती है और किस तरह के मरीजों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़ों में ओंडनस्ट्रोन की डोज़ कितनी दी जाती है और बच्चों में इसकी डोज़ कितनी देनी चाहिए, और इसके खाने से क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में बने रहें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, ओंडनस्ट्रोन एक एंटी एमेटिक ग्रुप की मेडिसिन है जो कि उल्टी रोकने के लिए दी जाती है। जैसे कि पेट में एसिडिटी गैस बनने की वजह से मरीज को उल्टी लगने लगती है, उकाई आती है, वहाँ भी ओंडनस्ट्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। और लूज मोशन के साथ जो उल्टियाँ होती है, वहाँ भी ओंडनस्ट्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की वजह से जो उल्टियाँ होती हैं, वहाँ भी ओंडनस्ट्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। गई सफ़र के दौरान कुछ लोगों को उल्टियों जैसा महसूस होता है और उल्टियाँ भी होती हैं, वहाँ भी ओंडनस्ट्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस, ओंडनस्ट्रोन टेबलेट मार्केट में कई ब्रांड नेम से आती है, जैसे कि एटरना के नाम से आती है, वोमिकाइंड के नाम से आती है, एमसेट के नाम से आती है, जोफ्रान के नाम से आती है, और भी कई ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगी। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो डोज गाइस, एडल्ट में 4 mg की एक टेबलेट सुबह शाम या फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर सुबह दोपहर शाम भी दी जा सकती है। और बच्चों में गाइस 0.1 mg सुबह शाम और सुबह दोपहर शाम भी दी जा सकती है। गाइस, बीमारी और कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी डोज़ कुछ अलग भी हो सकती है। गाइस, अब बात करते हैं इसके के ओंडनस्ट्रोन उल्टियों को रोकता कैसे है और उल्टियाँ होती क्यों हैं। तो गाइस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के पास सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं और वोमिटिंग होने लगती है या नोजिया जैसा फील होने लगता है। तो गाइज, ओंडनस्ट्रोन सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से नोजिया जैसा फील होना बंद हो जाता है और उल्टियाँ भी बंद हो जाती हैं। अब बात करते हैं गाइज साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट इसके गाइज, ड्रोजीनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, फीवर हो सकता है, फटिग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। अब जानते हैं गाइस इसके प्रिकॉशन के बारे में। तो प्रिकॉशन गाइस, इरेगुलर हार्ट बीट वाले पेशेंट में इसको नहीं दिया जाता। फेनाइल कीटोन्यूरिया में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब फेनाइल कीटोन्यूरिया होता क्या है गाइस? प्रोटीन फेनाइल एलानाइन ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, वहाँ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।